किधर है वो कागज, किधर है? नहीं है वो कागज। तो अगर नहीं है कागज तो क्यों कहा था कि कागज है? ट्रस्ट मी, प्लीज ट्रस्ट मी। तुम ट्रस्ट के काबिल नहीं हो, तुम वो एग्रीमेंट भी डिजर्व करते थे। आज मैं तुम्हें बताता हूँ इस एग्रीमेंट की औकात। चलो मेरे साथ। ये क्या हो गया मुझे, ये क्या कर दिया मैंने, क्या था वो लम्हा, क्यों इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी मुझसे, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी दुनिया को, ये कहाँ से आ गया, दुनिया क्या कहेगी मैं कहा के बाद, ये कहाँ से आ गया। बेटे कहाँ से आए? जी जनाब, तो हम जो है वो बेसिकली रिएक्शन वीडियो कर रहे थे तेरे बिन की। जरा मैं कैमरा दोबारा सेट कर लूं। तो मदिया ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है जी। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ये हमारा अपना ही है गाइस। हां जी वो बेचारा बच्चा मासूम सोच रहा है कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। तो बेसिकली जो वीडियो का मकसद था वो ये था कि हम जो है वो आजकल जो ड्रामा बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ हुआ है और जो बहुत ज्यादा क्रिटिक का सामना करना पड़ा, हालांकि वो बहुत हाइप उसकी क्रिएट हुई हुई थी, वो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी पे जा रहा था और एकदम वो बहुत ज्यादा क्रिटिक्स पे आ गए। टेलीविजन ड्रामा आप सब उसको जानते हैं और उसका हमने ये क्लिप उठाया है जिसमें हम दो चीजों को जो है ना वो उसके हाईलाइट करेंगे, उसको बात करेंगे। बेसिकली मैं पहली चीज को कंडेम करूंगी, बीइंग अ फीमेल अगर यही चीज टीवी पे मीडिया पे दिखाई जाती कि कोई हस्बैंड थप्पड़ मार रहा है तो फौरन जो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम है वो जाग जानी थी कि जी औरत पे हाथ है। सोशल मीडिया पे भी लोगों के क्रिटिसिज्म ह्यूमन वो क्या है डोमेस्टिक वायलेंस को जो है ना वो प्रोवोक कर रहे हैं, तो हस्बैंड पे भी हाथ उठाना कोई जायज बात नहीं थी। और मेरा ख्याल है कि इस ड्रामा को देखा जाए ना तो मीरब ने बेतहाशा गलतियां इसमें की है, लेकिन मुर्तसिम ने हमेशा जो है वो सब्र का मुजाहरा किया। मैं इस चीज को डिनाई नहीं करता कि गलती किसकी है किसकी नहीं, लेकिन एक जो मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं वो किस तरह का मैसेज है और दुनिया को आप क्या दिखा रहे हैं, तो उसे भी सब्र का मुजाहरा करना चाहिए था। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मदिया आप जो इंतहाई लॉजिकल है, आई डोंट नो डायरेक्टर को क्या थॉट आई माइंड में और वो क्या चीज जो है वो उससे फैलाना चाह रहे हैं, लोगों की ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाह रहे हैं। देखिए एक मीडिया पे आप बैठे हुए हैं, आपको पता है क्राइम कैमरा की क्या जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये हर एक को पता है। हम एक आम छोटे लेवल पे भी जब कोई वीडियो बनाता है तो उसको इस बात का पता होता है कि यार कैमरा के अगेंस्ट ना कोई बात चली जाए। तो आपको कैसे नहीं पता था कि आप किस सोसाइटी से, किस कंट्री से, क्या किस किस्म के लॉ से बिलोंग करते हैं? मुझे लगता है कि एक ना एक कोशिश की गई है। हमने जो सबसे पहले देखा था ना उसमें वो दिखाया इन्होंने अगले दिन का प्रोमो, जिसमें इन्होंने एक सीन जो है वो अगले एपिसोड में वो कट कर दिया, जो था कि मीरा बैठी हुई ऐसे रो रही है और हया आई है उसके पास और उसको मजीद जो है वो परेशान कर रही है और उसको जो है वो उस चीज़ पे डरा रही है कि तुम्हारे साथ मैरिटल रेप हो गया और ये हो गया वो हो गया, घर छोड़ के चली जाओ, उसको ज़िंदगी से निकालना चाह रही है। वो एक अलग एस्पेक्ट है, आप खुद उसे स्पेस दे रहे हैं कि वो इस तरह की बातें करें, और जो सोसाइटी में आप मैसेज फैलाना चाह रहे हैं उसका क्या मकसद है? पकीज़ा रिश्ता है, पर आपने कोई ऐसी गलती नहीं की है कि जिस स्पेस पे आप घर छोड़ के चली गई है, तो फिर जिनके साथ ये हर वक्त हो रहा है उनको तो पता नहीं फिर मर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो इन्होंने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है व्यूअर्स को, हम खुद बहुत बड़े उनके व्यूअर्स, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस को हम जो है वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बैठ के हम किसी ऐसी औरत को जो है वो डिनाई नहीं करेंगे जो इस फेज से गुजर रही हो, प्रॉब्लम से गुजर रही हो। हर तरह का माशरा है, ऐसा नहीं है कि हम जो है वो एक साइड कर दें कि जी मर्द जुल्म नहीं करते हैं या औरतें बर्दाश्त नहीं करती हैं, हर चीज हम हर चीज को गलत कहेंगे जो गलत है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह जो है वो मीडिया में इन चीज़ों को प्रमोट करना शुरू करते हैं जो हमारे इस्लाम में बिल्कुल गलत हैं। हम कोई दीनी स्कॉलर नहीं है जो अपने जो है वो इधर मसाइल बैठे बयान कर रहे हैं, लेकिन कम से कम सोशली और माशरती हमें एक इस चीज़ को जरूर जो है कंडेम करना चाहिए। हम ही करें, सभी इस बात को कंडेम करें। ड्रामा बहुत पसंदीदगी पे जा रहा था और ये बिल्कुल ड्रैग कर दिया है और इसके अपने व्यूअर्स ही जो है ना वो इस चीज़ पे पसंद नहीं कर रहे हैं, सब कह रहे हैं ना कास्ट ने अच्छा रोल, क्यों एक्टर्स ने क्यों ये सीन साइन किया, कि चले कोई आइडिया दे देता, डायरेक्टर से मिस्टेक हो गई। सो ये सबका प्लान मिक्स था, सबकी
जो है ना म्यूचुअल कोलैबोरेशन है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो और ड्रामा के हवाले से जो है वो थोड़ा सा फीडबैक हम दे दें कि हमारा क्या एक्सपीरियंस है ड्रामा का। इंतहाई बकवास हो चुका है, हमने बहुत शौक से देखना शुरू किया था, हम बहुत बड़े व्यूअर्स थे इस ड्रामे के, हमें बहुत इंतजार रहता था। इवन ईद की डेज में जब इन्होंने वो लगातार 4 एपिसोड लगाई हैं तो हम बाद में ये दुआ कर रहे थे कि यार इन्हें रूटीन कर देनी चाहिए, बहुत मजे का ड्रामा और सस्पेंस, बट इतना ड्रैग हो गया कि ऑनेस्टली मैंने तो 48 एपिसोड देखे भी नहीं। अच्छा, मैंने एक मीम पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था कि इस ड्रामा में सिर्फ इंडियन म्यूजिक दिन ताना ना लग रहा रह गया, बाकी सारा कुछ इंडिया नहीं जो है वो ड्रैग करके लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं वो भी है, अब आप इसी सीन में थप्पड़ वाले सीन में देख लीजिएगा, वो इतना पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक दस दस बज रहा है, वो तो बज ही रहा है। तो इस हवाले से जो है वो हमारा ये फीडबैक था, आपकी क्या राय है इस बारे में, और आप जो है वो मैं तो ये राय दूंगी कि अब इस ड्रामे को ना अच्छे वे में ला के एक्स्ट्रा एपिसोड्स को डिडक्ट करके इनको इसको एंडिंग पे ले चले जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है और इस तरह के थॉट्स प्रोवोक नहीं करने चाहिए। आप भी अपने राय का इजहार कीजिएगा हमारे साथ, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये जो इन्होंने एक हरकत की है ड्रामा में उसके बारे में आपका क्या फीडबैक है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।